अरब देशों के साथ पीएम मोदी के याराने को लेकर विपक्षी नेता अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम मोदी का अरब देशों में डंका बजता है तो 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर ने कैसे फांसी की सजा सुना दी। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कतर मामले पर कहा, अगस्त में मैंने संसद में मुद्दा उठाया था कि हमारे पूर्व नौसेना अधिकारी कतर में फंसे हुए हैं, आज उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। नरेंद्र मोदी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि मुस्लिम देश उन्हें कितना प्यार करते हैं, उन्हें हमारे पूर्व नेवी ऑफिसर को सुरक्षित वापस लाना चाहिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें फांसी दी गई है। ओवैसी ने संसद सत्र का एक वीडियो भी शेयर किया जब उन्होंने 8 भारतीयों का मुद्दा संसद में उठाया था। कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप? खतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको? वही सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक छोटा सा देश 140 करोड़ लोगों के देश के नागरिकों को ऐसी सजा कैसे सुना सकता है जब तक कि हमारा नेतृत्व आधे पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे। वहीं क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी मोदी सरकार से नेवी ऑफिसर को बचाने की अपील की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा, ये जानकर स्तब्ध हूँ कि कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई है। पूरे मामले की जानकारी रहस्यमय तरीके से गुप्त रखी गई है। मुझे भरोसा है कि विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी उन्हें घर लाने के लिए कतर सरकार पर दबाव बनाकर उच्चतम स्तर पर कार्रवाई करेंगे। विपक्षी नेताओं के साथ पूरा देश 8 पूर्व नेवी ऑफिसर की सुरक्षित वापसी के लिए मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। नौसेना के इन पूर्व 8 अधिकारियों में राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता पूर्णेंदु तिवारी भी शामिल हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।